नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। वैसे तो खुजली की समस्या एक आम बात है जो कि हर किसी को हो जाती है, मगर जब यह खुजली आपके निजी अंग पर हो जाती है तो यह आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। यदि आप भी अपनी योनि की इस खुजली से परेशान हैं तो तुरंत इसका उपाय कीजिए, वरना यह आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। महिलाएं अक्सर इस समस्या के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। महिलाओं की योनि में खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि योनि की अच्छी तरह से सफाई न होना, अस्वस्थता होने के कारण, या फिर किसी एलर्जी के कारण भी योनि में खुजली हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं या फिर आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो भी आपको आपकी योनि में खमीर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको खुजली होने लग जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि योनि की खुजली को किस प्रकार से आप समाप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल टच लाइव ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस खुजली से छुटकारा पाने के लिए आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों में थाइमोल और यूनिनोल होता है जो कि स्किन की इरिटेशन को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। थोड़ी सी तुलसी ताज़ा पत्ती तोड़ लें और उसे प्रभावित स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा हम आपको एक नुस्खा भी बनाकर दिखाएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने योनि की खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नुस्खा किस प्रकार से तैयार होता है। इसके लिए आपको कुछ नीम की पत्तियाँ ले लेनी है और उन्हें एक गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना है। जैसा कि आप जानते ही हैं, नीम में कई प्रकार के एंटीफंगल गुण होते हैं जो आपकी खुजली आदि को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। और फिर आपने इसे छान लेना है। ठंडा होने के बाद इसमें कपूर की एक या दो टिक्की मिला लें। अच्छी तरह से बारीक करके इसमें कपूर मिला लेना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कपूर में भी दाद खाज खुजली को दूर करने की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। अब आपको इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे को आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। इसके लिए आपको रुई की सहायता से डिप करके योनि पर खुजली वाले स्थान पर अच्छी तरह से रगड़ना है। इस नुस्खे का उपयोग आपको नहाकर करना है या रात को सोने से पहले करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी योनि की खुजली समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय का उपयोग करके अपनी योनि में होने वाली खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों योनि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।